ट्रांसमिटेड ऑन स्ट्रिंग वेव तो हो गया था हम लोगों का, आज डिस्कस करना है क्या है आज का टॉपिक। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहे या सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हम लोग कहें, पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल है, जहां दो सोर्स के कारण जो इफेक्ट है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, किसी के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैसे केस में अगर दो सोर्स है, दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, दोनों का सम होगा। पर यहाँ जो इफेक्ट है वो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ले रहे हैं, और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो सम वेक्टर के जैसा लिया जाएगा, और अगर स्केलर है तो स्केलर के जैसा लिया जाएगा। तो वेव बने स्ट्रिंग को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल से वेव बने स्ट्रिंग को दिखाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव जनरेट किया जाए तो उसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का किसी टाइम पे या किसी पोजीशन पे, वो दोनों वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि दो वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा 1t प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं k1x प्लस φ1, और दूसरा वेव हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को y1 से लिख रहे हैं। पहले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y1 है किसी टाइम t और पोजीशन x पे, दूसरा जो वेव सोर्स है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट है y2, ये साइनोसोइडल फॉर्म में लिखा जा रहा है a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x प्लस φ2 ले रहे हैं इसका इनिशियल फेज। नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी एट ए पोजिशन एक्स कैन बी गिवन एज, किसी पोजीशन और टाइम टी पे, किसी पोजीशन एक्स और टाइम टी पे ये दूसरा वाला वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है और पहले वाले के कारण y1 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y1 प्लस y2। लेना है वेक्टर सम, पर कोइंसिडेंटली हम लोग को यहाँ पे वही वेव का इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन पढ़ना है जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, या वाई वाई से रिप्रेजेंट किया है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट वाई के डायरेक्शन में, एक वाई एक जेड होगा तो दोनों 90 डिग्री पे भी हो सकता है, तो कई बार केसेस चेंज भी किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि एक वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरा एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है। एक ही टाइम पे स्ट्रिंग पे दो वेव पल्स जनरेट करने का तरीका क्या हो सकता है, कोई स्ट्रिंग टाइट है, आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को मान लेते हैं, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम लोग वाई के डायरेक्शन में इसमें टच कराते हैं तो वाई के डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू करेगा। हर ट्यूनिंग फॉर्क का अपना फ्रिक्वेंसी होता है, कोई दूसरा सोर्स लगा के ऐसे जेड के डायरेक्शन में इसको टच कराते हैं तो स्ट्रिंग को एक ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा सोर्स और दूसरा इस तरफ एक्स के प्लेन में आगे पीछे या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे पीछे, एक वर्टिकल प्लेन में है। दोनों का सम जब लेंगे तो वेक्टर सम जब लेना होगा तो 90 डिग्री का सम कैसे लेना है, रूट के अंदर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 2y1 y2 कॉस यहाँ पे 90 हो गया तो वो तो जीरो हो गया टर्म, तो 90 डिग्री पे भी हो सकता है, अलग अलग एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे केस जो डिस्कस करना है वो जब दोनों वेव सेम प्लेन में हो। अच्छा दूसरी बात ये है
की, इन दोनों वेव का सम क्या फिर से साइनोसोइडल होगा? जैसे एक साइनोसोइडल वेव जनरेट कर रहा है, साइनोसोइडल वेव का शेप हम लोग जान रहे हैं कैसा होगा, दूसरा भी साइनोसोइडल वेव है, क्या दोनों का सम साइनोसोइडल ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों वेव को मिला देने पे मोशन ऐसा रैंडम हो जाए कि फिर से साइनोसोइडल ना हो, कहीं पल्स बड़ा कहीं छोटा ऐसा भी बन सकता है। तो दो वेव का सम साइनोसोइडल हो सकता है कब? अगर ओमेगा और के की वैल्यू सेम है। तो अब इसमें ओमेगा अगर सेम हो जाएगा तो के जो है मीडियम और ओमेगा पे ही डिपेंड करता है। के और के क्या है, वी और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। सेम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें वी सेम रहेगा, वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर सेम स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें अगर ओमेगा सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया और डिस्प्लेसमेंट एक ही प्लेन में है, दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही प्लेन में है, एक तब दोनों का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाएगा। इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों वेव एक ही प्लेन में होना चाहिए, तब दोनों का इंटरफेरेंस फिर से साइनोसोइडल वेव देगा। और अगर दोनों का इंटरफेरेंस फिर से साइनोसोइडल वेव बना रहा है तो उस सुपर पोजिशन को हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे। सभी सुपर पोजिशन को इंटरफेरेंस नहीं कर, वेव का इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक कंडीशन और हम लोग लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस है दोनों का, या दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो टाइम और एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता था कि कहीं कहीं फेज जो है एक्स का या टी का फंक्शन हो जाए किसी एक का, तो जब वो वैसा अगर हो गया तो जब फेज डिफरेंस लेंगे तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, उस कंडीशन में भी सुपर पोजिशन इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगा। तो इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है उसको हम लोग लेते हैं। इंटरफेरेंस हम लोग वैसे दो वेव को सुपर इम्पोज करके ऑब्टेन करते हैं जहां दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही प्लेन में हो, कह सकते हैं। एक ही डायरेक्शन कहना तो बहुत लॉजिकल नहीं है क्योंकि अगर फेज अलग है तो हो सकता है एक ऊपर जा रहा होगा दूसरा नीचे जा रहा होगा पल्स सेम टाइम पे, तो उसको एक डायरेक्शन नहीं कहेंगे। एक प्लेन में कहें तो उससे बात बन जाएगी, एक ही प्लेन में दोनों ऑसिलेट कर रहा है, एक ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम होगा तो कोई नुकसान भी नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है। इंटरफेरेंस होने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, Y1 और Y2 दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन मैच करता है तब दो वेव का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है। हाँ, सेम प्लेन में दोनों को होना चाहिए, जैसे आप स्ट्रिंग को पकड़े टाइट, एक सोर्स लगा के ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहे हैं तो ये कौन सा प्लेन हुआ, वर्टिकल प्लेन हुआ, और दूसरा कोई जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओसिलेट करा रहा है तब इंटरफेरेंस नहीं होगा, दूसरा को भी क्या करना होगा, उसी प्लेन में दोनों सोर्स एक ही प्लेन में ओसिलेट कराए अगर स्ट्रिंग को तब दोनों का सम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट ये भी है, इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग कहते हैं कि जो वेव में एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कहने का मतलब हो सकता है किसी पॉइंट्स पे एनर्जी मिनिमम हो जाए और दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा हो जाए।
अगर एक प्लेन में नहीं होगा तो फिर दोनों का सम हो सकता है कि जीरो कभी ना हो। इंटरफेरेंस में दोनों कंडीशन होना चाहिए, या तो सम मिनिमम रिजल्ट दे या फिर मैक्सिमम रिजल्ट दे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों सेम प्लेन में नहीं है तो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम वाला आएगा नहीं। दोनों सेम अलग अलग फेज लेते हैं तो भी दोनों का सम कुछ रिजल्टेंट देगा, दोनों सेम फेज मिलेंगे तब भी कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग बात करेंगे उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे हम लोग तो एट ए टाइम किसी एक को कंसिडर करते हैं। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसको जोड़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एट ए टाइम जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ये इस तरह से इक्वेशन लिखना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो वाई या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या मैग्नेटिक फील्ड को। और जब कहेंगे कि प्लेन वेव एक ही प्लेन में है तो उसका मतलब है कि दोनों वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन सेम प्लेन में है, या दोनों दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम होना चाहिए, तब वो दोनों सेम प्लेन में कहलाएगा। अभी हम लोग इसीलिए वेव के स्टार्टिंग में वेव होने स्ट्रिंग ही डिस्कस किया जाता है, ताकि आप पहले से कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना करें। अभी वेव हमारा एक ही प्लेन में है ही, या एक सिंगल वेव यहाँ पे हम लोग को मिलता है। जनरली बाकी जितने भी वेव्स हैं, चाहे साउंड वेव हो लाइट वेव हो, उसमें एक वेव आपको नहीं दिखाई देगा, पूरे प्लेन में पूरे एरिया में या पूरे वॉल्यूम में वेव आपको दिखाई देता है। ये एक लाइन पे वेव दिखाई देता है और बाकी सब पूरे प्लेन में दिखाई देगा, तो वहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इंटरफेरेंस जब हम लोग कराते हैं दोनों एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक को हम लोग लिख लेते हैं वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस केक्स। अच्छा, फाई वन फाई टू में डिफरेंस ही लेना है तो फाई वन माइनस फाई टू होगा, या फिर डिफरेंस को में लेने के लिए एक का फेज हम लोग जीरो ले रहे हैं। थोड़ा आसान बनाने के लिए फाई वन फाई टू लेंगे तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस आगे का जो डेरिवेशन है वो आपको थोड़ा लेंदी दिखेगा बस। ये वाई वन वाई टू है दो वेव, दोनों का सुपर इम्पोजिशन कराते हैं तो रिजल्टिंग वेव क्या होगा? वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, और वाई वन की जगह पे क्या लिखना है? ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये लिखेंगे। इसके आगे का रिजल्ट लिख दे शॉर्टकट में, इसके आगे क्या होना आप लोग जान रहे हैं। एसएचएम में इस काम को किए कि नहीं? एसएचएम में क्या था, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स जहाँ पे है वहां पे सिर्फ ओमेगा टी था, इतना ही तो डिफरेंस था। ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह पे सिर्फ ओमेगा टी था। दो एसएचएम जब एक ही प्लेन में हो रहा है तो उसका सुपर इम्पोजिशन हम लोग पहले करा चुके हैं। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह पे सिर्फ ओमेगा टी था, दोनों का जो एंगल का डिफरेंस है फेज डिफरेंस है फाई, वही हो गया। जो रिजल्टिंग वेव होगा, डायरेक्ट लिखे कि पूरा करना है प्रोसेस, डायरेक्ट लिखे, वो आप एसएचएम में जाएंगे तो पूरा प्रोसेस आप समझ सकते हैं कैसे करना, क्या क्या करना था। इसको पहले इसको सी मान लेते, इसको डी, साइन सी प्लस डी पे रिजॉल्व करेंगे तो साइन सी और कॉस सी, मतलब साइन ओमेगा टी के एक्स अलग हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी के एक्स अलग हो जाएगा। उसके साथ साइन ओमेगा टी के एक्स के साथ कॉस फाई लगेगा, कॉस ओमेगा टी के एक्स के साथ साइन फाई लगेगा, यहाँ फाई कांस्टेंट है। तो साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, कॉस ओमेगा टी वाले को एक तरफ लेंगे, तो साइन ओमेगा टी के साथ कुछ कांस्टेंट बचेगा उसको स्मॉल ए मान लेते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ जो कांस्टेंट बचेगा उसको बी मान लेते हैं, और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये काम करेंगे तो ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ आएगा उसको कॉस अल्फा मान लिया जाएगा,
और दूसरा अपने आप साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे कुछ और पाई की जगह पे कुछ और फेज एंगल आ जाता है। तो दो साइनोसोइडल वेव का रिजल्टेंट फिर से साइनोसोइडल वेव होगा जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस फाई पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर होगा, वेक्टर वाले मेथड से पता करते हैं, ए क्या होगा, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, और अल्फा कहां से आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऊपर में ए टू साइन फाई नीचे ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। अच्छी, इससे जो पावर वाला एक्सप्रेशन था, पावर वाला एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। देखिए, दो वेव जो आपस में इंटरफेयर कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है दोनों वेव में वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, कह सकते हैं एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो बाकी चीजें तो कॉन्स्टेंट है। दोनों इसका एवरेज पावर मान लेते हैं पी वन है जो ए वन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसमें जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो पी टू है जो ए टू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसमें जो पावर ट्रांसमिट होगा वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रिजल्टिंग वेव का पावर है, एवरेज पावर, वो कैसे डिपेंड करेगा, अगर इस एक्सप्रेशन को लिख स्क्वायर करके लिख दें तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ये हुआ। अगर पावर के टर्म में लिखना होगा तो पी इज इक्वल्स टू हम लोग कुछ कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी वही कांस्टेंट आएगा पूरा। अच्छा, पावर का फॉर्मूला बताइए, एवरेज पावर क्या था, रो यहाँ नहीं है, वन बाई टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी है, तो ओमेगा तो सब में सेम है, तीनों वेव में जो दोनों जोड़ा गया उसमें भी और जो रिजल्टिंग वेव मिला है उसमें, सब में ओमेगा सेम है, वी सेम है, तो हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए सी, तो सी इंटू ए स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, या जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, हाफ म्यू ए को छोड़ के ओमेगा स्क्वायर इनटू वी से आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दे तो ये एवरेज पावर हो जाएगा, और ये भी पावर होगा इसमें, ये हो जाएगा रिजल्टिंग वेव का एवरेज पावर, और ये पहले वाले का एवरेज पावर, इसमें कुछ कांस्टेंट से डिवाइड करना है, दोनों तरफ वो कांस्टेंट है इसलिए वो कैंसिल हो जा रहा है, ये पहले वाले का एवरेज पावर है। एवरेज पावर को इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस दूसरे वेव का एवरेज पावर, अब यहां पे क्या है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना पावर, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर पावर जो है ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टू रूट आई वन पी वन। अच्छा, यहाँ पावर और इंटेंसिटी, पावर की जगह पे इंटेंसिटी लिखा जा सकता है, पर जब वेव और स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इंटेंसिटी टर्म हम लोग यूज नहीं करते, जब साउंड वेव और लाइट वेव की बात करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे जहाँ पे पावर की जगह पे इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो गया, रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है या जो पावर है वो दोनों के एम्पलीट्यूड पे और साथ साथ फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए फेज को चेंज करा सकते हैं, अलग अलग फेज पे इंटरफेयर करा सकते हैं, तो कोई एक ऐसा फेज एंगल मिलेगा जहां एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, और एक ऐसा भी मिलेगा जहां सबसे कम होगा। जिस फेज एंगल पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा उस
उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। किस फेज एंगल पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा? जहां हाँ जहां फाई जीरो हो या फिर 2π 4π 2nπ उसको लिख देते हैं शॉर्टकट में। जहां फाई 2nπ हो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर फेज एंगल पाई बाई 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल हो 2n प्लस या माइनस 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 2n हाँ माइनस 1 होना चाहिए, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू पाई होना चाहिए, फेज डिफरेंस पाई का होना चाहिए, तब कॉस फाई का वैल्यू माइनस 1 होगा। जीरो नहीं करना, कॉस फाई की वैल्यू जब माइनस 1 होगा तब एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा। तो ये इधर नोट किए हैं, जल्दी से कीजिए।